हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल एसपी ट्यूटोरियल 9। ये सी लैंग्वेज का लेक्चर 5 है जिसमें हम लोग कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टोकन्स के बारे में समझा और उसकी कैटेगरी के बारे में। कीवर्ड्स टोकन की फर्स्ट कैटेगरी है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स और प्रीडिफाइंड वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स जिनका मीनिंग और सेंस पहले से उस लैंग्वेज में डिफाइन होता है, वो उस लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड हैं और प्रीडिफाइंड हैं, तो उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स जैसे कि कम या गो या ही या यू, ये सभी उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं जिनका एक मीनिंग है जो उस लैंग्वेज में प्रीडिफाइन है, और जो इस लैंग्वेज को जानते हैं वो इनके मीनिंग को समझते हैं। कीवर्ड्स को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। अ पर्सन हु ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ एंड डू नॉट ट्राई टू ब्रेक द लॉ। एक व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है और कभी रूल्स ब्रेक करने की कोशिश नहीं करता, नियमों को नहीं तोड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? ऑनेस्ट। एक व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है और कभी किसी को धोखा नहीं देता, हम उसे रिलायबल पर्सन बोलते हैं। ही इज रिलायबल। जो अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांगली निभाता है और हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं लॉयल। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपनी ड्यूटी पे कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल रहता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं रेगुलर। और अगर कोई अपनी ड्यूटी में हमेशा अवेलेबल है और ऑन टाइम अवेलेबल है, तो उसे हम बोलते हैं पंचुअल। फ्रेंड्स, जरा समझने की कोशिश करिए कि इनमें से कितनी क्वालिटीज आपके अंदर हैं। खैर, तो ये सभी एक तरह के कीवर्ड्स हैं। हम अगर किसी को रिलायबल या किसी को पंचुअल बोलते हैं, तो जैसे हम किसी को पंचुअल बोलते हैं, तो उसका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमेशा ऑन टाइम रहता है। इसी को पंक्चुअलिटी कहते हैं और ये अपने आप में एक बड़ी क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, पंचुअल। इसी को एक्चुअल में हम कीवर्ड कहेंगे। अ कीवर्ड विच हैज अ प्रीडिफाइंड मीनिंग। इस लैंग्वेज में इन वर्ड्स का अपना प्रीडिफाइंड मीनिंग है, तो ये सभी उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। ठीक इसी तरह से सी भी एक लैंग्वेज है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस या टास्क हैं जिन्हें अगर हमें बार बार करना होता है, तो उनको करने के लिए हमें पूरी लाइन या इंस्ट्रक्शन या पूरा प्रोग्राम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया, तो उस वर्ड को टाइप करते ही कंप्यूटर समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस वर्ड को उस लैंग्वेज का या सी लैंग्वेज का कीवर्ड कहते हैं। सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड सी लैंग्वेज है, उसमें 32 ऐसे कीवर्ड हैं जिनका अपना मीनिंग है, और अलग अलग सिचुएशन में अपने मीनिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। जब भी ऐसे ऑपरेशंस की जरूरत होती है, जिस ऑपरेशन का मतलब ये कीवर्ड या इनमें से कोई वर्ड समझाता है, तो हम उस वर्ड को वहां पे यूज कर लेते हैं। तो ये सभी कीवर्ड हैं। इसके अलावा सी के और भी कई स्टैंडर्ड हैं जिसमें कई सारे नए कीवर्ड्स ऐड किए गए हैं, जैसे ASM है या बूल है या एटॉमिक है या कॉम्प्लेक्स है। बट एक जो स्टैंडर्ड सी है, उसके 32 कीवर्ड्स ही हैं जो कॉमन है और सभी कंपाइलर इनको सपोर्ट करते हैं। तो इन सभी कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है, इनको कब यूज करेंगे, ये हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में सीखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स। अगले लेक्चर में हम लोग टोकन्स की दूसरी कैटेगरी पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट या लिटरल्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।